मालेगांव शहर में जमकर वोटिंग हुई, आपके कैंडिडेट कहीं ना कहीं 2 लाख से ज़्यादा वोट ले सकते हैं, सब खुद बता रहे हैं, तो आपका क्या मशवरा है, आपने क्या सिचुएशन देखी, आप भी दिन भर घूमे थे? मालेगांव शहर के अंदर 2,05,000 वोट गिरी और साफ दिखाई देता है कि 2,05,000 के अंदर से इस शहर की कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार शोभाताई बच्चों को 1,95,000 के आसपास वोट मिलने के इम्कान है। क्योंकि हिंदुस्तान की तारीख के अंदर ऐसा पहली टाइम हुआ क्या, हर समाज, हर तबका, हर बिरादरी, ख़ास तौर पे अकलतियों ने अपनी जो वोट का जो परसेंटेज था उसको डबल में किया। क्योंकि ये सरकार ने जो हाथ पार कर दी थी सभी के साथ, किसान हो, छोटा मोटा धंधा करने वाला हो, पावरलूम का कारोबार करने वाला हो, कपड़ों का कारोबार करने वाला हो, हर छोटे से लेके बड़े धंधे के लोग बहुत परेशान इस सरकार के राज के अंदर, और इनको सिर्फ हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर हर यही चीज़ के ऊपर इन्होंने पूरा 10 साल निकाला और लोगों को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया। तो शहर की आवाम ने, पूरे हिंदुस्तान के अंदर वोटरों ने जो रुझान, मैं समझता हूँ महाराष्ट्र के लोगों का था वही वैसा यूपी का था, वैसे ही बिहार का था, वैसे ही दिल्ली का था। शहर के लोगों ने, पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने वोट दिया। हम ख़ास तौर पे हमारे मालेगांव शहर की वो आवाम, गयूर आवाम, मेरी माँ बहनें, मेरे दोस्त अहबाब, मैं तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इतनी चलचलाती धूप में अपने ऑटो का इस्तेमाल किया और यानी खुद किसी की ना परवाह करते हुए, चिट्ठी नहीं आई थी, उन्होंने अपनी स्लिप को लिया और स्लिप को लेकर जाने के बाद उन्होंने पूरी तरीके से जाकर वोट का वोट दिया और वोट का परसेंटेज जो है 67.40 आया, 2,05,592 वोट गिरी। ये मालेगांव शहर की तारीख में मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा वोट है और हमें उम्मीद है कि हमारी पार्टी की उम्मीदवार शोभाताई बच्चों 50,000 के ऊपर की लीड से चुन कर आएंगी। देखो आज माइक पे बोलने का टाइम नहीं है किसने क्या किया नहीं किया, शहर के लोगों ने देखा। हमने तो हमारी जितनी जिम्मेदारी थी उससे ज़्यादा निभाए और वो तो मेरा फ़र्ज होता, मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते मुझे वो तो करना ही था, और किसने क्या किया नहीं किया ये आज नहीं बोलने का टाइम है। बहरहाल वक्त तो गुजर गया, आप किसी को ये नहीं, आप इंतज़ार है कि अल्लाह ताला बस एक अच्छे तरीके से एक रिज़ल्ट अच्छा अपने हक के अंदर आए और हिंदुस्तान के अंदर एक सेकुलर सरकार बने, ऐसी हम दुआ करेंगे इंशाल्लाह। देखिए शहर में इस बात की बड़ी ज़ोरों से चर्चा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का उम्मीदवार यहाँ से जीत सकता है, लेकिन जब रिजल्ट आएंगे, पॉजिटिव नतीजे आएंगे, तो क्रेडिट की जंग मालेगांव शहर में छिड़ जाएगी, इस पर आपकी टिप्पणी? क्रेडिट की जंग किसी को लेने की ज़रूरत नहीं है। क्रेडिट का मसला ऐसा है कि भाई ये आवाम की जीत रहेंगी, ये किसी लीडर की जीत नहीं है। आवाम ने जो मुजाहरा किया है सब्र और तहमील का, किसी ने स्लिप भी नहीं लेकर जाके दिया था, शहर की आवाम ने स्लिप ही उन्होंने अपने हाथों से जाकर लाए, जान नहीं मिली लोगों को और अपने घरों से निकल कर उन्होंने भरपूर वोट दिया है। तो क्रेडिट लेने की ज़रूरत ना मुझे है ना किसी और को है। जो काम था, जिन्होंने काम जितना था, किसने अगर जिसको काम 1 रुपया बांटा था उसने 8 ही आना किया, जिसने 8 आना बांटा था उसने 4 आना किया, सब ने काम में कोताही की है। बहरहाल आवाम ने कोई कोताही नहीं की, आवाम का वो मेरी माँ बहनें, वो मेरे नौजवान साथी, बुज़ुर्ग हजरात, शहर के बहुत, यानी मैं समझता हूँ उलमाए कराम का खास रोल रहा इसके अंदर, मीडिया का रोल रहा कि जिन्होंने पूरी ताकत से अपने तरीके से सेकुलरिज्म के पीछे खड़े होकर अपनी ताकत का मुजाहरा किया। मैं मुबारकबाद देता हूँ तमाम उलमाए कराम, तमाम पत्रकार लोगों को, तमाम सभी लोगों को, माँ बहनों को, जिनों को, और सबको अल्लाह ताला सबको अच्छा करे, जिसने नहीं भी किया उसका भी करे। भाई किसी को क्रेडिट लेने की ज़रूरत नहीं है, पर एक सेकुलर हिंदुस्तान में एक सेकुलर ये बन जाए, सरकार बने, यही हम लोगों ने सब सोच कर वोट दिया है। बस मैं इतने ही आवाम से कहूँगा, मतलब आवाम ने अपनी ताकत बता दी आपकी बार चुनाव, आपकी बार जो है आवाम ने ताकत बताया कि आवाम आवाम होती है किसी लीडर के बोलने के ऊपर। किसी को भी नहीं कहा, यानी कोई किसी दूसरी पार्टी का आदमी था तो उसने भी कहा कि इस वक्त तो तुम मत बोलो, हम किसी को वोट देंगे। यहाँ क्या भाइये में भी ऐसे ही हुआ कि लीडरों को लोगों ने कह दिया, कारपोरेटर को कह दिया कि तुम्हारा इलेक्शन नहीं है, तुम इसके अंदर मत बोलो, लोगों ने वोट जाके बाकायदा कांग्रेस को दिया। और आउटर के अंदर मैं बोलता हूँ बागलान के अंदर एक जो खबरें आ रही है और जो बातें हो रही है,
जो लोगों से मेरी बात फ़ोन के ऊपर रब्ता हुआ, कुछ लोगों से मुलाकात हुई, उन्होंने जो मुझे बताई बात, तो मुझसे ऐसा लगता है कि 50,000 से ऊपर और 1,20,000 से तक के सोबत आई बच्चों साहिबा को लीड होना चाहिए, ऐसा मुझे इम्कान लगता है।